ये है राजा की बाग। ये रास्ता जो इधर से आ रहा है, दो महिलाएं जो जा रही हैं, ये सीधा चला जाएगा तरौलिया थाने की तरफ, पूर्वा ग्राम पंचायत होते हुए इधर से पटेल स्कूल की तरफ चला जाएगा। इसको देखिए, रास्ता थोड़ा टूट गई है, हालांकि इसका जो कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, सड़क के किनारे किनारे जो है मिट्टी फेंक करके पेड़ लगा दिए गए हैं। और इधर देखिए, इधर से भी गाड़ियाँ आ रही हैं जो जहांगीरगंज की तरफ से आ रही हैं, देख सकते हैं आप सीधा। हालांकि अब अंधेरा होने वाला है, लगभग 6 बजने को आ गए हैं, गाड़ियों का लाइट ऑन है। अब तो नियम के अनुसार गाड़ियों का लाइट दिन में भी ऑन रहती है, ये नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ अंधेरे के कारण ऑन होती हैं। देख लीजिए गाड़ियाँ निकल रही हैं, हल्की हल्की बारिश हुई है, मौसम जो है सुहाना सा है। इधर से भी लोग निकल रहे हैं जो अतरौलिया की तरफ से निकलने वाले हैं, ये जहांगीरगंज की तरफ जा रहे हैं लोग। अभी जो पंचपड़वा आश्रम है, ये आप जो बिल्डिंग देख रहे हैं सफ़ेद वाली, ये ब्लू बेल्स पब्लिक स्कूल है, मतलब प्राइवेट स्कूल है, जो पटेल मेमोरियल इंटर स्कूल से अटैच है, उन्हीं के मैनेजरशिप द्वारा ये भी चलाया जाता है। यहाँ लकड़ी का काम होता है, तख्ते बनते हैं, दरवाजे बनते हैं, ये उसके मालिक हैं भाऊ साहब। ये भाऊ साहब आ गए हैं, लकड़ी का काम करने वाले हैं, करवाते हैं। तो भाऊ साहब लकड़ी काम करवाते हैं तो क्या क्या बनवाते हैं? जौन साधवान बनवा। अरे जैसे क्या क्या बनवाते हैं? अरे दरवाजा जंगला। दरवाजा जंगला, हाँ, तख्ता, हाँ, गोड़ा, हाँ, पहरुआ। पहरुआ सब बन जाता क्या? पहरुआ तो मांगा है ना, मांगे ना सर। अब सब काम खत्म। तो देखिए बाबू साहब पहले यहाँ बसे थे, यहाँ अपनी दुकान लेकर के। हालांकि अभी ब्लू बेल्स पब्लिक स्कूल यहाँ एक बड़ा संस्थान खुल गया है और यहाँ नई नई बिल्डिंगों का निर्माण हो रहा है। यहाँ एक कंस्ट्रक्शन कंपनी जो आकर बसी हुई थी, हालांकि लग रहा अब उनका धीरे धीरे यहाँ से उठना सामान शुरू हो गया है, क्योंकि निर्माण कार्य लगता पूरा हो गया है। अब यहाँ से जा रहे हैं, नहीं तो काफ़ी दिन यहाँ वो थे। कौन सी कंपनी थी? बिजली वाली ना, खम्भा बनाओ तो रहा ना। कहाँ घर है? दुआर पुरवा पे, तरौलिया पुरवा। पुरवा अब्बा ना, ये रास्ता चल जाए ना तरौलिया में। अतरौलिया चल जाए, आई रास्ता कहाँ जाए? ठिकड़ा हवा गिरैया। गिरैया, हाँ हाँ।